सामरिक नाजरीन, मैं मोहम्मद खलीलुज़्ज़मां आप तमाम का एमके न्यूज़ में खैर मकदम करता हूं। आइए नाजरीन नज़र डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम मोहम्मद रसूल खान है भाई। मेरी बहन का नाम आयशा बेगम है। मेरी बहन की जो है शादी 12 दिसंबर 2019 को हुई भाई। जो है उनको जो है 2 महीने के बाद से जो है मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा कर दिए ससुराल वाले, वो ज़्यादा परेशान करे मेरी भाई। मेरी बड़ी बहन जो है बीएड कर रही है भाई, उन्होंने फर्स्ट ईयर में है, उन्होंने जो है ग्रेजुएशन है, उनको 2 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। उनको जो है पहले ही बोल के करे कि कुकिंग नहीं आती उनको, लेकिन उनके जो नना है जो वो ज़्यादा टॉर्चर करे, तुम्हारे को ये नहीं आता, तुम्हारे को वो नहीं आता बोल के। मेरे जो है वालिद साहब की रिसेंट डेथ हुई, 5 अगस्त को जो डेथ हुई, उसके बाद जो है उनको और ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिए। हम लोग जो है उनको जो है 22 जुलाई को उनको ले लेके आए घर को। हालत ऐसी थी मेरे दीदी की, चलने नहीं आ रहा था, उनको ले लेके आए वहाँ से, पैर नहीं ठहर रहा था। पहले जो है चंदा नर्सिंग होम में बताया उनको, चंदा नर्सिंग होम वाले बोले कुछ भी ज़रा वो ज़्यादा सीरियस है सिचुएशन अभी बोल के बोले, तो ग्लूकोज वही चढ़ाए। उसके बाद से जो है सिचुएशन का ख़राब ही होने लगी। उसके बाद जो है गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल में ही बताए। ये होने का रीज़न क्या है बहन को आपके इतना सब टॉर्चर? ये देखिए, पहले तो है उनको जो है वो ज़्यादा टॉर्चर करे उनके नना, कौन करे नना है उनके टॉर्चर करे, जो दूल्हे के जो बड़े बहन है और उनके 2 बहना है बड़े, उन लोग वहीं रहते। हस्बैंड कैसे है? हस्बैंड जो है टेक केयर नहीं करते उनका, हस्बैंड जो है बस लिड़ती में डालते रहते उनको। उन्होंने जो है जब बोले दवाई दिलाओ मेरी तबीयत खराब हो रही बोलते, उन्होंने जो है नहीं दिलाए। उन्होंने जो है बस बोले कि बड़े बहन को बोलो, बड़े बहन बोले नहीं ठीक है ठीक है ठीक है बोल के बोलना, फिर जो है नहीं दिए दिलाए दवाई उनको। फिर इसी वजह से जो है उनको सही टाइम पे खाना नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, तो ये ज़्यादा बीमारी हो गई। मैं जो है असरा को जो है 13 तारीख को उनको एडमिट करा मैं, 13 तारीख से आज जो है 27 अगस्त को जो है मेरी बहन का इंतकाल हो गया। आज तक भी वो बंदा फटक के नहीं देखा एक बार भी। मेरे जो है तकरीबन 7.5 लाख रुपये लग गए, लेकिन 1 रुपया वो बंदा नहीं दिया मेरे को, ना ही कुछ सपोर्ट करा फाइनेंशियली, ना ही एक बार भी आके हॉस्पिटल में, ना ही सिग्नेचर करा। जब मैं उसको सिग्नेचर के लिए जब डॉक्टर्स बुलाए उनके लिए, तो उन्होंने ना ही सिग्नेचर के लिए आए, ना ही ऑपरेशन देखने आए, ना ही इंतकाल हुए तो उन्होंने वहाँ मौजूद थे। मैं ही पूरे सिग्नेचर आए मेरे असरा हॉस्पिटल में, और पूरे बिल आए मैं ही बना, उन्होंने जो है एक बिल नहीं बने, और जो है ना ही एक बार भी आकर वहाँ पर फटके ना मेरे बहन को देखे। कुछ भी हेल्प नहीं करे आप? कुछ भी हेल्प नहीं करे मेरी, एक पैसे की हेल्प नहीं करे, फाइनेंशियल भी नहीं करे, ना ही सपोर्ट करें मेरे को। कहाँ रहते हैं आपके? मेरे भौने जो है आसिफ नगर नोबल पेट्रोल उनके पास रहते हैं। आप कहाँ पे रहते? मैं आगापुरा जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल के पास रहता हूँ। भौने का नाम? मोहम्मद खालिद है उनका नाम। उन्होंने जो है कार के टेक्नीशियन है।